सो हाय गाइज़, वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप नियॉन बॉर्डर कैसे बना सकते हैं। आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा जो साइड में बॉर्डर में एक लाइन चलती है, उसे आप नियॉन बॉर्डर कहते हैं। तो गाइज़, आप बात आती है आप उसे कैसे बना सकते हैं अपने फ़ोन से। तो गाइज़, मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है इस पर, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इस पर। तो गाइस, उसमें मैंने बताया था कि आप नियॉन बॉर्डर कैसे बना सकते हैं एक कलरफुल इमेज की मदद से। पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कलरफुल बॉर्डर कैसे बना सकते हैं एक कलरफुल वीडियो की मदद से। हाँ जी गाइस, आज मैं आपको वीडियो की मदद से बताने वाला हूँ। अगर आप पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइस, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखते रहना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित कौंडल यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको नियॉन बॉर्डर बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर ले लेना है। मैं यहाँ पे काइन मास्टर का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, काइन मास्टर को खोलने के बाद यहाँ पे आपको एम्प्टी बॉक्स पे आ जाना है। यहाँ पे आपको 6:9 की रेशियो चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है मेरे सामने। और यहाँ पे आपको ऊपर मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन पर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड ब्लैक ही चुनना है और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको जितना लंबी वीडियो बनानी है आपको उतना लंबा ये कर लेना है बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं 15 सेकंड की बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 सेकंड का मैं कर चुका हूँ। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है मुझे यहाँ पे फिर लेयर पर जाना है और यहाँ पे हेड राइटिंग पर आ जाना है। हेड राइटिंग पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे स्केयर का ऑप्शन चूज़ कर लेना और यहाँ पे आपको कलर रखना है वाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कलर वाइट कर चुका हूँ और यहाँ से आप कोई भी साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, मैं यहाँ पे साइज़ ये वाला सिलेक्ट करना चाहूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी फिंगर रख के यहाँ पे आपको जितना बड़ा बॉर्डर बनाना है आपको उतना बड़ा ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इतना बड़ा ले चुका हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे टिक कर देना है और टिक करने के बाद आपको इसे एडजस्ट कर लेना होगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये पूरा एडजस्ट हो चुका है। अब मैं इसे हेड राइटिंग को भी इसके बराबर कर दूंगा पूरा पीछे तक। तो गाइस, उसके बाद फिर मुझे लेयर पर जाना है। लेयर में मुझे मीडिया में जाना है। मीडिया में मुझे ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। ये वाली वीडियो का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इसे सिंपली इसके ऊपर पूरा इसे ढक दूंगा, वाइट लाइन को इस पर पूरा लगा दूंगा। उसके बाद क्या करना है मुझे, फिर से इसे कॉपी करना है। थोड़ी वीडियो छोटी है, मुझे डुप्लीकेट ले लेना है इसका और यहाँ पे मुझे इस यहाँ पे कर देना है। आप जितनी लंबी बनाना चाहें ऐसे बना सकते हो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको ये वाली वीडियो पर जाना है और यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर चले जाना है। नीचे आप देख सकते हैं मैं ब्लेंडिंग पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो फुल हो चुकी है जो कि वाइट थी। अगर आपको दूसरी पे भी जाना है और यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग कर देना है इसे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कुछ आपको ऐसे नज़र आएगा। मैं आपको चला देता हूँ, आपका देख लीजिए आपका नियॉन बॉर्डर कितना अच्छा लग रहा है और कितना कलरफुल कलर आ रहे हैं इसमें। तो आप इस सिंपल स्टेप से ये नियॉन बॉर्डर बना सकते हो ऐसे। दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? तो गाइस, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना। और गाइस, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हो। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइस, थैंक यू।